हाय सब लोगों को, आज हमें काफी बढ़िया क्राफ्ट करेंगे। ओ रो मत लड़के, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। इस लिपस्टिक से शुरू करेंगे। मजाक कर रही हूँ, हम अगले कुछ मिनट के लिए डेंटिस्ट बनेंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे दांत ठीक करूंगी ताकि ये दर्द ना करे। चलो देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबके टीथ प्रिंट्स अलग होते हैं? काफी रोमांचक है ना? यहाँ बहुत सारे जर्म्स हैं, इनके लिए मुंह में कोई जगह नहीं है। अब चलो बाहर निकलो यहाँ से, तुम्हारी वजह से दांतों में दर्द होता है। काफी बेहतर है, पहला स्टेज पूरा हुआ। यहाँ हमारे पास क्या है? ओह समझ गई, दांतों के लिए अच्छा और बुरा खाना। एक एप्पल के लिए तो कोई सवाल नहीं उठता, ये तो अच्छा ही है। और एक दिलचस्प चीज, दूध भी अच्छा है, पर चॉकलेट के साथ मिलकर ये काफी अनहेल्दी मीठा शेक बनता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, पर हम इसे यहाँ रखेंगे। और अफसोस है कि चॉकलेट को भी यहीं रखेंगे। देखो, अगर आप हेल्दी बनाना को दूध में मिलाते हैं और फिर उसे जमाते हैं, तो आपको दांतों के लिए एक बहुत ही बुरी आइसक्रीम मिलेगी। आप इसे सिर्फ कभी कभी खा सकते हैं, जो कि बहुत ही बेकार है। मुझे ये ज्यादा खाना पसंद है। जबकि बनाना अलग से काफी बार खाए जा सकते हैं और वो भी काफी स्वादिष्ट होते हैं। आप दूध और बेरीज से भी आइसक्रीम बना सकते हैं, जैसे कि ब्लू बेरीज के साथ। ये सुनने में काफी बढ़िया है, क्या आपने कभी ट्राई किया है? वैसे बेरीज में बहुत सारे विटामिन होते हैं। ठीक है, चलो अब दूध को वहाँ रखते हैं जहाँ उसे होना चाहिए। ओह मुझे याद आया, दूध केक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पर केक ज्यादा अच्छे नहीं होते। ओह साथ ही कपकेक्स और दूसरी मिठाइयाँ भी, जैसे कि यहाँ एक डोनट है और स्वीट सोडा भी है। दोस्तों क्या आप ऐसा कोई स्नैक अभी खाना चाहेंगे? ओह मैं चाहूंगी, पर हमें ये सब रोज रोज नहीं खाना चाहिए ताकि हमारा पेट और दांत दर्द ना हो, इसलिए हम इस कैंडी को यहाँ रखेंगे। जबकि सैम जरूर इस बारे में बहस करता। यहाँ बस 1, 2, 3, 4 हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं और अनहेल्दी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। वो तो यहाँ हेल्दी खाने से ज्यादा अनहेल्दी खाना है, पर जल्दबाजी नहीं करते, हम अभी गलत को ठीक करते हैं। पीज में बहुत सारा प्रोटीन होता है, लगभग मीट के जितना, ये यहाँ जाएगा। कैरेट्स भी अच्छी होती हैं, ये दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अब फिश भी यहाँ रखते हैं। ओह हाँ, ऑरेंजेस, ये काफी मजेदार जूस बनाते हैं। और ग्रीनरी में तो विटामिन और मिनरल बहुत सारे होते हैं। देखो हमारे पास यहाँ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क और फिश है, कितनी बढ़िया वैरायटी है। और दांतों को खराब करने के लिए ड्रिंक्स और स्वीट्स हैं, यहाँ बहुत ही कम ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर अच्छा खाना ज्यादा है। हुर्रे, पर अब मुझे भूख लग रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ खाने के लिए कुछ टुकड़े दांतों में फंस गए हैं। आपने सुना होगा कि नन्ही चिड़िया उनसे छुटकारा पाने के लिए क्रोकोडाइल की मदद करती है। हम इसे स्पेशल टूल्स की मदद से करेंगे। चलो पहचानते हैं कि टुकड़े पहले क्या थे। हाँ, पहले वाला तो एक एप्पल था। ठीक है, अब इसे बाहर निकालते हैं। ये काफी मुश्किल है क्योंकि चिपचिपा है। हाँ, तो ये क्या है? मुझे पता है, हमारे कैरेक्टर को मीठा बहुत पसंद है। ये वही कैंडी है जिससे कैविटीज हो सकती हैं। वैसे खाने के बाद दांतों में से अटका हुआ खाना निकालने के लिए डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। अब हम लोअर जॉ की तरफ बढ़ते हैं। इस बार हमारी डेंटल ट्रेजर की लिस्ट में सबसे पहला है हेल्दी खाने के टुकड़े भी दांतों में फंसकर दर्द कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करें। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि ये क्या है। ये चॉकलेट है, लगता है इस लड़के ने अपने दांतों में इसका टुकड़ा छिपाया हुआ है। अब दोबारा से फ्लॉस करते हैं, हमें इसे गम से पकड़कर ऊपर की ओर खींचना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। हमने बाकी का खाना निकाल दिया और अब सबसे बड़ी कैविटी से निपटते हैं। ये तब होता है जब हम दांतों को ठीक से ब्रश नहीं करते। अब आपको पता लगा कि आपको ये कितनी बार करना है। लोग अपनी दांतों को साफ करने के लिए कोयले और राख का इस्तेमाल करते हैं, पर टूथपेस्ट ज्यादा अच्छा है। और हमें अंदर तक जाकर सब कुछ साफ करना होगा। इसे करने के बाद ही आप इसमें फिलिंग लगा पाएंगे जिससे कि कैविटी ना हो। अब इस दांत में कोई दर्द नहीं होगा। पहले मैं सब कुछ यहाँ रख दूं। खैर ये हो गया। फिलिंग एक पैच की तरह होती है और जल्द ही ये दांत बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। हॉप, थोड़ा सा और ये हो गया। बढ़िया, हमारे पास अब बस एक स्टेप बचा है। हमें सीखना होगा कि दांतों को ब्रश कैसे करते हैं। हम एक टूथब्रश का इस्तेमाल करेंगे, आपके पास जरूर एक होगा ही। ब्रश करना बहुत जरूरी है ताकि दांतों में दर्द ना हो और कैविटीज भी ना हो। टूथब्रश पे भी जर्म्स हो जाते हैं,
तो हर 3 महीने में उसे चेंज कर ले। हम नीचे से ऊपर स्वीपिंग मूवमेंट्स में ब्रश करते हैं। दूसरे जॉ में भी ऐसे ही करेंगे, गम से क्राउन तक और फिर दांतों के टॉप पर। खैर, अब आप सबको पता है कि अपने दांतों को ब्रश कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, हो गया, दांत अब साफ और हेल्दी है। हम ब्रश को उसकी जगह पर रख सकते हैं। देखो, अब हमारा लड़का रो नहीं रहा। अपने दांतों का ढंग से ख्याल रखें और आपको बार बार डेंटिस्ट के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। व्यूअर्स को बताना भूल गई कि इस क्राफ्ट को बनाना कैसे है। ओह सैमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं भूली नहीं हूँ, मैंने उसे बात के लिए रखा है। अब हम डिटेल्स की ओर चलते हैं। यहाँ मैं अपनी बुक के लिए फोम पेपर ले रही हूँ, आ जाओ। और मैं इस चीज का ध्यान रख रहा हूँ कि सिव को कोई परेशान ना करे, मैं उसका नाइट हूँ। मेरी नाइट? क्या तुम इन शीट्स को खोलने में मेरी मदद करोगे? मुझे दो, अब मैं सब कुछ ठीक और जल्दी जल्दी सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे, ठीक है, अब तुम ले सकती हो। सैमी, तुम तो एक मास्टर हो, ये रिंग्स के लिए काफी बेहतर है। ये सब कुछ ठीक से रखने के लिए है। वैसे मैंने हमारी बुक के लिए बहुत सी चीजें बनाई हैं, देखो तो। वाह सैमी, तुम तो बहुत ही बढ़िया हो, तुमने ये सब कब किया? अब मैं इस क्राफ्ट का ये सब पूरा कर लेती हूँ, थोड़ा काम मैं भी कर सकती हूँ, जानते हो। और अब आखिरी काम, द नेम, बिल्कुल ऐसे। पर इस डिटेल को बुक पर कैसे लगाएं? मेरे पास एक आइडिया है, ये कुछ नेल्स है, जो है थोड़ा सामान और है, यहाँ ढूंढो। सैमी, मुझे नहीं लगता कि ये फिट होंगे। मेरे पास एक और आइडिया है, फोम पेपर लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, ये पूरे लुक में अच्छे से फिट हो रहे हैं। तो यहाँ आता है ये बच्चा। सैमी, तुम क्या कर रहे हो? लड़की के लिए शर्ट का कलर चुन रहा हूँ, वो काफी जरूरी है। तो तुम उसका ध्यान रख रहे हो, बढ़िया। तो अब मैं यहाँ का काम खत्म कर लेती हूँ। हाँ जरूर, मैं कपड़ों का देख लूंगा, सब मैग्निफिक नहीं तो कौन देखेगा। खैर, मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है और मैं हमारे डेयर डेविल का फेस पेस्ट कर रही हूँ जो डेंटिस्ट के पास आया है। सब हो गया, उसे ट्राई करके देखना चाहिए, एकदम नया फैशन है। वाह सैमी, बहुत ही बढ़िया आउटफिट है और ये इस पर काफी अच्छा लग रहा है, जैसे डॉक्टर कहते हैं। बोलो, चलो अब दांत लगाते हैं, वरना डेंटिस्ट किसका इलाज करेगा। और अब सबसे आखिरी काम की बारी है, जर्म्स। जर्म्स? बाहर निकलो यहाँ से, गंदे जर्म्स। ओह चलो भी, बेहतर है कि हम अपनी बुक के साथ आगे बढ़ें। ये सब खाली पेजेस देखो, यहाँ हम 2 दांत लगाएंगे और कुछ खाने का सामान। तो मैं जल्दी से उसे बनाने के लिए जाता हूँ और तब तक तुम इन दांतों पर काम करो। हाँ जरूर, किसी न किसी को तो करना होगा। क्या तुमने बना लिया? मैं भी एक मास्टरपीस बना रहा हूँ, अब इसे ठीक से मिलाते हैं। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मैं बस ये कह रही थी कि मेरा काम बस हो ही गया और मैं तुम्हारे बिना आगे नहीं बढ़ सकती। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम हो गया। वाह, तुमने तो बहुत कुछ बनाया है, हमारे पास खेलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हे सिव, टाइम तो देखो, ये लंच ब्रेक है, दोस्तों अब हमारा इंतजार करेंगे। अपनी बुक को बनाने का समय है, चलो पेज को पलटते हैं। तुम्हें पता है क्या यहाँ क्या होगा, ये तय करने की बारी अब मेरी है। जरूर सैम, और अगर आपको हमारी बुक पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। वाह सैमी, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, पर ये फोटो अभी पूरी नहीं हुई, बस थोड़ा सा सामान और लगाते हैं। पागलपंती करना बंद करो, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है। अगर तुम कहते हो तो, मुझे लगता है हमें अभी एक बड़ा कीड़े वाला दांत चाहिए जिसे हम ठीक करेंगे, और मैं डेंटल ड्रिल के लिए सब तैयार करती हूँ। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ और यहाँ है हमारा उदास पेशेंट। अब इंडिकेटर लगाते हैं, इसे पहले वाले से अलग रखने में आसानी होगी। और हो गया, अब सिर्फ बुक का आखिरी पेज बचा है। देखो मैं क्या लाया, एक बढ़िया टूथब्रश। और हमें इसकी जरूरत है, तुम अभी के लिए इसे टेस्ट कर सकते हो। मदद करो, कोई मदद करो मेरी। वापस आओ, मुझे अपनी बढ़िया ब्रश से तुम्हारे दांत साफ करने हैं। सैमी, फ्लश टॉयज को उनके दांत साफ करने की कोई जरूरत नहीं होती। सैमी, बहुत ही कम लोगों को डेंटिस्ट पसंद होते हैं। तो फिर मैं इस लड़के के दांत साफ करता हूँ, ये भाग नहीं सकता। जल्दबाजी मत करो, उसके पास अभी दांत नहीं है। तो जल्दी से उसके दांत बना दो ताकि मैं अपना मुश्किल काम शुरू कर सकूं। हाँ, तो अब तुम एक हार्ड वर्कर हो, जबकि सारी तैयारी मैंने की है। मियां बीबी मेरा है। हाँ हाँ, इसी बीच मैं इन दांतों को साफ करने के लिए तैयार करती हूँ। इस समय मैं गंदे जर्म्स का किरदार निभा रही हूँ।
सावधान सावधान, जर्म्स इन्हें अभी क्या भी हटाना होगा। अभी नहीं, अब इस ब्रश को पेज पर लगाते हैं। हाँ, खैर हमने कर दिखाया, हमारी डेंटल बुक तैयार है। हमारे नए डेंटल क्लिनिक में आइए, हम आपको बिना दर्द पहुंचाए आपका इलाज करेंगे। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, चलो चल कर देखते हैं। तुम्हें ब्रशेस की जरूरत है और तुम्हारे दांतों में कुछ जर्म्स है। हे सामी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे? अपने नए क्लिनिक पर एंटोइस की अपॉइंटमेंट बुक कराओ। और मैंने सुना है कि पास वाला क्लिनिक हर पेशेंट को एक तोहफा दे रहा है। रुको रुको रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, मुझे भी एक तोहफा चाहिए। आखिरकार अब मैं इस बुक के साथ खेल पाऊंगी। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा।